यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो ज़्यादातर उम्मीदवार होते हैं उनकी जो प्राथमिकता होती है वो आईएएस बनने की होती है, और कुछ कैंडिडेट इसमें इस तरीके के होते हैं जो कि काफ़ी सालों तक यूपीएससी की तैयारी करते हैं लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन एक कैटेगरी के लोग इस तरीके के भी होते हैं, कुछ उम्मीदवार जो कि कई सालों तक लगातार अटैम्प्ट देते हैं और हर बार सफल हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक जीवाणी की, जो कि ऐसे ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने काफ़ी बार यूपीएससी के अटैम्प्ट दिए और मैक्सिमम बार वो सफल हुए पहली वाली अटैम्प्ट को छोड़कर। अब इनकी स्टोरी में ये है कि ये आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, तो इनका आईपीएस में सिलेक्शन ज़रूर हो गया था लेकिन गुजरात के रहने वाले कार्तिक जीवाणी बनना चाहते थे आईएएस ऑफिसर, इसीलिए इन्होंने दोबारा से एग्ज़ाम दिया आईएएस यूपीएससी सिविल सर्विसेज का और इस बार वो आईएएस ऑफिसर बन गए। कार्तिक ने इंजीनियरिंग आईआईटी मुंबई से कंप्लीट करी है, 10 घंटे पढ़ाई करी है, स्मार्ट वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया।